नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। एनम का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। जो भी बच्चे इसके एलिजिबिलिटी रखते हैं, इसकी पूरी फुल डिटेल वीडियो आपके एलिजिबिलिटी से रिलेटेड बना दी गई है, आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फॉर्म कैसे आपको फिल करना है, क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, क्या क्या जरूरत है आपको, ये पूरा स्टेप वाइज स्टेप मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। और जिन बच्चों को एनम की तैयारी करना है वो फटाफट परीक्षा प्लस एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। इस समय दिवाली पे बम्पर ऑफर चल रहा है। आप एनम का जो बैच है 2.0 के नाम से 499 का ये बैच है, लेकिन अभी दिवाली ऑफर में आपको ये पूरा बैच मात्र 249 रुपए में मिल जाएगा। कोई भी कोर्स से अगर आप जुड़ते हैं परीक्षा प्लस से तो मात्र 249 रुपए में आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज से अगर आप जुड़ते हैं तो 89 में आपको किसी भी कोर्स से रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगी। तो ये दिवाली का बम्पर ऑफर है, तो आप एनम के बैच से जुड़ सकते हैं। फॉर्म फिलअप में हमें क्या क्या जरूरी है, क्या करना है, आप जब वेबसाइट पर जाओगे तो सबसे पहले जो आप नोटिफिकेशन वाला सेक्शन है जॉब नोटिफिकेशन पे आप जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इस इंटरफेस में आप देखेंगे कि सबसे पहले यहां पर आ रहा है कि नोटिफिकेशन का 28/10 से लेकर 27/11 तक, और यहां अप्लाई करने का लिंक आ रहा है। यहां क्या आ रहा है बच्चों, अप्लाई करने का लिंक आ रहा है। इस वाले लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई करने के लिंक से जैसे ही आप आगे क्लिक करेंगे सेकेंड नंबर पे आपको यहां पर आ जाएगा कि इस प्रकार से हेल्थ वर्कर स्पेशल रिक्रूटमेंट, यहां एज मेंशन होगा, यहां टोटल वैकेंसी दिखाएगी और यहां सबमिट एप्लीकेशंस का आपके ऑप्शन आता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने, जैसे आप नेक्स्ट इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन का कुछ व्यू आएगा, ये ध्यान रखिएगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके आएंगे। इंस्ट्रक्शंस के बाद ये आप इंस्ट्रक्शन अगर आप पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद इंस्ट्रक्शन को आगे आपके फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप जब जाएंगे यहां पर क्लिक करेंगे आई एग्री वाले पर, ध्यान दीजिए आई एग्री वाले पर आपको क्लिक करना है और यहां आपको आई एग्री करके आगे बढ़ना है। आगे जैसे बढ़ेंगे आपके सामने पेट का एलिजिबिलिटी, जो आपकी पेट वाला मेन है उससे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। यहां पर बोला एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन विद पीईटी टेस्ट जो आपका होता है, तो आप पर्सनल डिटेल डाल के भी कर सकते हो और ओटीपी के माध्यम से भी कर सकते हो, जो भी माध्यम आप चूज करना चाहो। जैसे इस पर करोगे तो आपका नाम, फादर नेम्स, डीओबी, ये सब चीजें पूछता है, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर भी पूछता है जो पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ओटीपी के थ्रू करोगे तो सीधे रजिस्ट्रेशन नंबर और सीधे ओटीपी आएगी और आपका लॉग इन हो जाएगा, मैं दिखा दे रहा हूं। जैसे थ्रू पर्सनल डिटेल से अगर हम करते हैं तो यहां पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा, डीओबी पूछेगा, जेंडर पूछता है, डोमिसाइल कैटेगरी क्या है, और फिर यहां पर एक वेरिफिकेशन कोड होता है वो आपसे पूछता है। अगर ये सभी आप डाल देते हैं तो उसके बाद से आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, ये तो हो गया उससे रिलेटेड आपका। अब आगे जैसे ही आपका यहां पर आता है प्लीज कंफर्म टू प्रोसीड, जैसे आप ओके करोगे ना तो ये आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स पे ओके बटन पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ओके बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा इंटरफेस फॉर्म फिलिंग का खुल के आ जाएगा, जहां पर सबसे पहले आपका कैंडिडेट नेम, अब ये सब डिटेल ऑलरेडी आपकी फिल होगी, समझ रहे हैं, ये सभी डिटेल आपकी ऑलरेडी फिल होगी। जो आपने पीईटी में डिटेल डाली है ना वही से ये पूरा डिटेल ले लेता, तो आपको भरने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। पीटी का डिटेल यहां से, नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, ये सब पीटी से ले लेगा, ठीक है। उसके बाद से ये फ्रीडम फाइटर है कि नहीं, ये सब चीजें आपका वहीं से ले लेता है। उसके बाद से अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आपसे क्या पूछेगा, यहां आपके जो है एड्रेस, आपका डीओबी, होम डिस्ट्रिक्ट, ये सब चीजें आपका जो भी आप पीटी में भरे रहेंगे ऑलमोस्ट कुछ इंफॉर्मेशन ले लेता है, और कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहां पर भरना होता है, जैसे मैरिड है कि नहीं, जेंडर आपका ले लेगा पहले से ही, पीईटी रजिस्ट्रेशन से ही मैक्सिमम आपका ले लेता है। हाँ, इसके बाद से जब आओगे यहां पर तो एज रिलैक्सेशन के लिए, मतलब आप कोई अलग कास्ट से हैं या जो भी आप संविदा पे काम कर चुके हैं उन सब चीजों के लिए एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो आप यहां से कैटेगरी चूज करेंगे। चूज करने के बाद यहां हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का आपका क्या पूछेगा,
मार्क्स पूछेगा, आपका रोल नंबर पूछेगा, मतलब डिटेल पूछता है। तो यहां आपसे ईयर ऑफ पासिंग पूछेगा, रोल नंबर पूछता है, कितना परसेंटेज आप ग्रेड या लिखा रहता है परसेंटेज या ग्रेड में, तो आप परसेंटेज चूज करिएगा, आप मार्क्स कितना पाए हैं, कितने में पाए हैं, तो यहां परसेंटेज आपका लिख के आ जाएगा। तो ये आपका इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का डिटेल आपको फिल करना है यहां पर। इसके बाद से इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का डिटेल फिल करने के बाद फिर से आपके यहां पर पूछता है कि हैव यू वर्क वर्किंग एज ए ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम की हैं, ठीक है, नर्स या हेल्थ वर्कर के तौर पे, तो आपको यस नो यहां पर करना होगा। यहां पर बोला एक्सपीरियंस ऑन द लास्ट डेट एप्लीकेशन कंप्लीट ईयर, आपसे पूछेगा कि आवेदन की अंतिम तिथि तक अनुभव आपका एक्सपीरियंस कितने साल का हो गया है, तो यहां आपको एक्सपीरियंस बताना है कि आपका कितने साल से आप काम कर रहे हैं, यहां आप यस नो में जवाब दोगे। उसके बाद से आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां से मांगेगा कि इंटरमीडिएट परीक्षा समकक्ष सरकार द्वारा प्राप्त कोई उत्तीर्ण की हो, तो ये आप डिटेल आप भरोगे। फिर यहां पर अभ्यर्थी ने भारतीय परिचय परिषद से के अनुसार एक 6 माह या 2 वर्ष का सहायक नर्स एंड मिडवाइफ एनएम का जो परीक्षण है, अगर वो आपने किया है एनएम से रिलेटेड, तो वो चीजें आप यहां पर यस नो करके किस जगह से किया है, कब आपका पासिंग या रजिस्ट्रेशन, आपका ईयर क्या रहा है, यहां पर रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्टिफिकेट का डेट इशू आप डालोगे, यहां परसेंटेज या ग्रेड सिस्टम क्या रहा है, आप वो चीजें यहां चूज करोगे। फिर यहां उत्तर प्रदेश नर्स एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में आपका पंजीकृत है कि नहीं, आपका जो भी आज आपका पंजीकरण है कि नहीं, तो वो है, तो आप यस करिए, यहां पर बोर्ड का नाम डालिए, ईयर डालिए कब आपका पंजीकरण हुआ है, है ना, तो उस पंजीकरण का आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, कब यो सर्टिफिकेट इशू किया गया, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वाला सर्टिफिकेट है, और उसके बाद से यहां पर आपको जो भी रहे, अगर नहीं है तो एनआईए नॉट एप्लीकेबल, अगर परसेंटेज और परसेंटेज, क्योंकि इसमें परसेंटेज नहीं होता, ये तो एक आपको काउंसिल के द्वारा क्या किया जाता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक नंबर दिया जाता है हेल्थ वर्कर का, तो उस प्रकार की चीजें हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, वही चीजें मैंने बताया, यहां एक वेरिफिकेशन कोड आएगा अंतिम में ही, इसी में एक वेरिफिकेशन कोड आप डालोगे, सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपसे लिखता है प्लीज कंफर्म फॉर रजिस्ट्रेशन, आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे, जैसे ओके बटन पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्मेट जो होगा वो एक प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आपका ये सब डिटेल, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट का नाम, मदर नेम, डोमिसाइल, होम, डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी, मैरिड, मोबाइल नंबर, ये सभी चीजें लिखी रहेंगी आपकी, ऐसा नहीं यहां मैंने ब्लैंक कर दिया है, ठीक है, पर्सनल डिटेल नहीं यहां पर मैं शो कर रहा हूं, तो यहां ब्लैंक है, यहां सब आपके नाम, जो भी आप डिटेल्स भरोगे वो सब चीजें आपको यहां पर दिखाई देगी, तो एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि जेंडर उंडर सब कुछ सही से आप किए हैं कि नहीं, वैसे भी इसमें जेंडर जैसे ही बदल देंगे तो वो लेगा ही नहीं, ठीक है। यहां पर आर यू डिपेंडेंट ऑन यूपी फ्रीडम फाइटर, आप जो भी कैटेगरी से हैं वो सब चीजें यहां पर यस नो अपने अकॉर्डिंग भर दीजिएगा यहां पर, कि अगर आप फिजिकली डिसेबल हैं नहीं, तो वो भी सब कैटेगरी आपका दिया गया है, आप एक्स सर्विस मैन है, तो इन सब चीजों से रिलेटेड आप भर सकते हैं। इसके बाद से आपसे यहां पर बोला गया है आर यू क्लेमिंग एनी एडिशनल एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड आ गया, फिर उत्तर यहां पर आपका पूरा डिटेल शो करेगा, मतलब एक प्रकार का पूरा जो आपने भरा है वो सब चीजें यहां पर एकेडमिक डिटेल आपका जो भी रहा होगा वो सब दिखाएगा, तो एक बार व्यू कर लीजिएगा कि आपने जो डेटा भरा है वो सब सही है कि नहीं। यहां पर आपके जितने भी आपने हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का और जो आपने एनएम का डिटेल भरा है, एनएम की जो डिटेल भरी है वो सब कुछ आपको यहां पर दिखाएगा, मैंने ब्लैंक किया है, यहां पर सब आएगा, और उस डिटेल को एक बार वेरीफाई करते हुए, क्योंकि आप जो डिटेल भरे हो उसी से रिलेटेड ये चीजें आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद से यहां आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, उसके बाद आगे आप चलोगे तो आप पेमेंट गेटवे का क्लिक टू प्रोसीड फोटो एंड एड सिग्नेचर, अब फोटो और सिग्नेचर भी आपको एड नहीं करना, आप क्लिक करोगे जो पीईटी में आपने यूज किया है ना, जो पीईटी में आपने यूज किया है फोटो और सिग्नेचर सेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नेम, डीओबी, कैंडिडेट का नाम, मदर नेम, जेंडर और फीमेल, यहां पर जेंडर जो रहेगा आएगा, यहां आपको देखो सिग्नेचर आएगा और यहां पर आपका फोटो रहेगा, मतलब यहां फोटो आपका जो पहले पीईटी में आपने लगाया है, पीईटी वाले में जब लगाया है, और यहां पर सिग्नेचर भी आपका जो पीईटी में लगा है वही साइन वही फोटो आपका अपने आप ले लेगा,
ठीक है, आप यहां से कंटिन्यू करिएगा। ठीक, कंटिन्यू करने के बाद आगे के स्टेप में आपको पूरा यहां दिखाएगा फिर से एक बार, आपका अदर्स डिटेल्स आप में आ जाओगे, तो ये सब चीजें आपको फिर से दिखाएगा। इसके बाद से आप सेम बोर्ड का नाम, ये सब चीजें आपको दिखाएगा। सेव सर्टिफिकेट डिटेल अपडेट करना है, मतलब जो भी आपका अगर कुछ चीजें उसमें अपडेट करना है, नहीं करना पहले पीईटी से, तो अपडेट डिटेल्स करके आप सीधे क्लोज कर दीजिएगा। करने के बाद आपके सामने यहां पर पूरा का पूरा फॉर्म का ये एड्रेस वाला पार्ट खुल जाएगा आपका। जैसे यहां से आप आगे बढ़ेंगे, पूरा नो अप कर दिए, ग्रुप सर्टिफिकेट है कि नहीं एनसीसी का, इसके आगे आप जब बढ़ेंगे एड्रेस डिटेल आपको फिल करना है। एड्रेस डिटेल में आप अपना डाल दीजिएगा, परमानेंट एड्रेस कहाँ का है और अभी आप कहाँ रह रहे हैं, करस्पोंडेंस एड्रेस, ठीक है। अगर दोनों सेम डालना हो तो यहाँ बॉक्स आता है, आप टिक कर दीजिएगा, तो यहाँ अपना एड्रेस फिलअप करिएगा। एड्रेस फिलअप करने के बाद नीचे आपसे जब और आगे जाओगे, तो नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए रहेंगे, फिर आपको एक वेरिफिकेशन कोड दिया रहेगा, इसको आपको डालना है और सेव प्रोसीड कर देना है। जैसे आप सेव प्रोसीड करोगे तो लिखा है डू यू वॉन्ट टू फाइनली सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेट पोस्ट काइंडली कंफर्म, आप यहां पर लिख रहा है प्रीव्यू और एडिट, या प्रोसीड टू पेमेंट फी फाइनल सबमिशन। तो अगर आपको कुछ संशय है कि भैया कहीं गलती तो नहीं, तो एक बार प्रीव्यू करके फिर से देख लीजिए, क्योंकि प्रीव्यू करने पे पूरा फॉर्म एक साथ आपका ओपन हो जाता है, जो भी गलतियां होंगी आप एक बार मिला सकते हैं। नहीं तो एक बार जैसे आपका पेमेंट हुआ तो फिर आपका करेक्शन के समय वो भी कुछ ही चीजें आपको करेक्ट कर पाते हो, अभी यहां पर चाहे तो पूरी चीजें करेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका प्रीव्यू देखने, मतलब ये सब चीजें मैं आपको प्रीव्यू के तौर पर दिखा रहा था, जो आपने फिलअप किया होगा वो सब चीजें यहां पर प्रीव्यू के तौर पर दिखाएगा। उसके बाद से लास्ट में आपसे सबमिट करने के लिए बोलता है। अगर आप फिर से नहीं कंफ्यूजन में हो कि अरे कुछ और छूट तो नहीं गया, तो आप फिर से क्लिक करके एडिट कर सकते हो, अदरवाइज आप प्रोसीड टू पेमेंट फी पे करेंगे। उसके बाद से पेमेंट गेटवे आएगा, पेमेंट गेटवे पे आपका मात्र 25-22 जो भी शुल्क आपका लग रहा है उतना आप शुल्क पेमेंट करेंगे और आपका फॉर्म जो होगा वो सबमिट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा आपको क्या क्या जरूरी है आपके मेन लॉगिन करने के लिए, आपको फॉर्म लॉगिन करने के लिए आपका पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ही जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। ओटीपी के लिए आपका मोबाइल जो आप पीईटी के समय दिए थे वो जरूरी है, अगर नहीं भी है तो आप बाकी डिटेल्स के थ्रू आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं, विदाउट ओटीपी के बाद जो आता है पर्सनल डिटेल डाल के उसके थ्रू भी आप फॉर्म को ओपन करके फिल कर सकते हैं। तो ये पूरा मैंने स्टेप वाइज आपको बता दिया, धीरे धीरे आप लोग वीडियो देख लीजिएगा कहां क्या जरूरत है। मैक्सिमम आपकी जो डेटा यहां पर होगा वो सभी डेटा आपके पीईटी के थ्रू ले लिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब पीईटी रजिस्ट्रेशन में जो आपने डेटा डाला है उसी से मैक्सिमम डेटा हो जाता है। जो इस पोस्ट के लिए चीजें चाहिए जैसे एनएम का डिटेल हो गया, ठीक है, उसके बाद से अगर हम बात करें कि आपके 12th में डिटेल जो हो गया, वो सब चीजें डिटेल आपसे यहां पर अपडेट करने के लिए मांगता है। आपके एक्सपीरियंस जो होंगे, आपने एज ए हेल्थ वर्कर काम किया है, कितने साल काम किया, ये सब चीजें डिटेल आपसे पूछेगा, तो वो आपको अपडेट करना पड़ेगा। एड्रेस रिलेटेड हो गया हो, आपको अगर और कोई डिटेल अपने में अपडेट करना है तो वहां अपडेट का ऑप्शन आता है, आप कर सकते हैं। उसके बाद से आप सीधे प्रोसीड करेंगे, रिव्यू करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा एक मिनिमम शुल्क के साथ। अगर आपको कोर्स से जुड़ना है तो परीक्षा प्लस एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, एनम का क्लासेस आपके चल रही है, आप 249 रुपए में ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 249 में। ये ऑफर सिर्फ दिवाली तक है, दिवाली के बाद ये बैच आपको एनएम 2.0 499 का पड़ेगा। तो ऑफर का लुत्फ उठाइए और जिन्हें भी तैयारी करना है वो बैच से जरूर जुड़ जाए। अब आपको अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए, और जो भी आपकी समस्या होगी ना उन सभी को वीडियो के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक डाउट आपका क्लियर कर दिया जाए। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।